हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हाउस। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो कर सकते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बिकॉज यहां पर हम लोग सिर्फ आपको एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं। हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज हाउस। मैं हूं प्रणव प्रकाश और आज हम डिस्कस करेंगे 10 सितंबर के डेली करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कि 2018 के महिला US ओपन टेनिस का खिताब किसने जीता। तो ये US ओपन जो है वो टेनिस का खिताब है और ये किसके द्वारा जीता गया, तो ये जापान के खिलाड़ी के द्वारा जीता गया और ये पहली जापानी खिलाड़ी बनी, पहली महिला जापानी खिलाड़ी बनी। इनका नाम है नाओमी ओशाका। और नाओमी ओशाका ने किसे हराया, तो सेरेना विलियम्स को। सेरेना विलियम्स पर इस बार $17,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में देखिए 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ये तो सभी को पता होगा ही, और ये US ओपन सबसे अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है। ये अगस्त सितंबर के महीने में होता है और सबसे पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। फिर नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन, ये जनवरी में होता है, और फिर नेक्स्ट होता है फ्रेंच ओपन, और तीसरा होता है विंबलडन, और चौथा US ओपन। तो इस तरह से भी ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है हाल ही में आयुष्मान भारत कॉल सेंटर का उद्घाटन आयुष्मान भारत के CEO डॉक्टर इंदु भूषण द्वारा कहाँ किया गया, तो ये किया गया है बेंगलुरु में। और ऐसा नहीं है कि ये पहला कॉल सेंटर है आयुष्मान भारत का, इससे पहले भी हैदराबाद में इसकी स्थापना की जा चुकी है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आयुष्मान भारत के CEO हैं डॉक्टर इंदु भूषण और ये किया गया है बेंगलुरु में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पहली बार किस देश ने स्पेस एलिवेटर विकसित किया है, तो किस देश के द्वारा स्पेस एलिवेटर विकसित किया गया, दो उपग्रहों के बीच में संपर्क करने के लिए स्पेस एलिवेटर विकसित किया गया है, ये किया गया है जापान के द्वारा, और जापान के स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच सोफिया विश्वविद्यालय में हिंदी प्रकोष्ठ की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो सोफिया नाम से आपको पता चला, सोफिया कहाँ की राजधानी है, बुल्गारिया की, तो ये बुल्गारिया में हिंदी प्रकोष्ठ की स्थापना के लिए समझौते पर इंडिया और बुल्गारिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और आपको पता होगा अभी रामनाथ कोविंद जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं वो 3 देशों की यात्रा पर गए थे, किस किस देशों पे, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक और साइप्रस। तो चेक रिपब्लिक की राजधानी है प्राग और साइप्रस की राजधानी है निकोशिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम के पहले खेल राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है, तो ये पहले खेल राजदूत बनेंगे असम के, असम की राजधानी है दिसपुर और वहाँ के जो अभी मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो हैं सर्बानंद सोनोवाल, और ये किया जाएगा पहले खेल राजदूत के रूप में हिमा दास को, ये एथलेटिक्स हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक में नोट बदलने के लिए किस नियम को संशोधन किया गया है, तो ये नोट बदलने के लिए आप 200 और 2000 के कटे फटे नोट, जो नए नोट हैं 200 और 2000 के, उसे बदलने के लिए ये नए नियम में संशोधन किया गया है, मीन्स पुराने नियम में संशोधन किया गया और नया नियम लाया गया है। तो वो पुराना नियम कौन सा था, वो पुराना नियम था भारतीय रिजर्व बैंक नोट रिफंड रूल्स 2009। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का चालू खाता घाटा करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी का कितना प्रतिशत हो गया है, तो ये हो गया है जीडीपी का 2.4% करंट अकाउंट डेफिसिट, और ये कहा गया है किसके द्वारा, ये आरबीआई के द्वारा कहा गया, आरबीआई का भी गवर्नर है उर्जित पटेल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नेपाल को किस देश ने अपने बंदरगाह का उपयोग करने की अनुमति दी है, तो चाइना के द्वारा कहा गया, आप किसी भी परिस्थिति में कभी भी आप हमारे बंदरगाह को यूज कर सकते हैं, लेकिन नेपाल अगर चाइना जाए किसी बंदरगाह पे तो कम से कम 3,000 से 4,000 किलोमीटर उसकी दूरी पड़ेगी, और इंडिया अगर जाए तो 800 से 1,000, तो नज़दीक है वहीं पर जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ISSF विश्व चैंपियनशिप में अंकुर मित्तल ने डबल ट्रैप में कौन सा पदक जीता है, तो ये जीता गया है गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक, और ये ISSF जो है वो हो रहा है दक्षिण कोरिया में, साउथ कोरिया में, और साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल, मुद्रा है वॉन, वहीं की कंपनी है सैमसंग, हुंडई, LG। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन के सबसे अमीर व्यक्ति जैकमा ने 54 साल की उम्र में 10 सितंबर 2018 को रिटायर होने की घोषणा की है, यह किस कंपनी के संस्थापक हैं, तो जैकमा किस कंपनी के संस्थापक हैं, ये हैं अलीबाबा के, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अलीबाबा, और ये चीन के सबसे अमीर व्यक्ति और एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, तो ये ध्यान रखना है अलीबाबा हैं जैकमा के अलीबाबा के फाउंडर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र और जलवायु परिवर्तन को पता लगाने के लिए किस देश ने HY-1C उपग्रह लॉन्च किया है, तो ये सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, तो ये लॉन्ग मार्च रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो आपको पता होगा कि लॉन्ग मार्च रॉकेट किसका है, तो ये है चाइना का।
तो ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 सितंबर 2018 को किस राज्य का पहला डाटा शेयरिंग और एक्सेस पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो 6 सितंबर को लॉन्च किया गया सिक्किम, और सिक्किम की राजधानी है गैंगटोक, और सिक्किम में ही जो दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है वो है कंचनजंगा। सिक्किम की राजधानी है पवन चामलिंग। इन्होंने सबसे ज़्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है। किसका रिकॉर्ड तोड़ के? ज्योति बसु, जो कि बंगाल की मुख्यमंत्री रह चुकी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में किस जगह को ONGC को गैस का भंडार मिला है? तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसके अभी चेयरमैन हैं शशि शेखर। और गैस का भंडार मिला है दो जगहों पे, एक तो पहला है मध्य प्रदेश और दूसरा है वेस्ट बंगाल, वैसे अब इसे बंगला कहा जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश की बात की जाए तो विंध्यन बेसिन में मिलेगा, और इसका सही आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर सी। और अगर वेस्ट बंगाल की बात की जाए अभी तो ये मिला है अशोकनगर में, 24 परगना जिला में अशोकनगर में, और वहाँ पे गैस और ऑयल दोनों के भंडार मिले हैं ONGC को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने भारत के वीर को ट्रस्ट बना दिया है, सरकार ने भारत के वीर को ट्रस्ट बना दिया है, और तो ये भारत के वीर जो है ये एक अपना इनिशिएटिव था, और ये इनिशिएटिव किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था अक्षय कुमार के द्वारा। इसमें था क्या कि जो भी पैरामिलिट्री के फोर्स हैं या फिर जो भी फोर्स हैं युद्ध के दौरान या फिर किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान अगर इनकी मृत्यु होती है तो उनके परिवार को कुछ डोनेशन दिया जाएगा। तो यही था एक निजी पहल इनिशिएटिव, और ये स्टार्ट किया गया था अक्षय कुमार के द्वारा, भारत के वीर। अब इसे ट्रस्ट बना दिया गया है सरकार के द्वारा, और इसके प्रमुख दो ट्रस्टी होंगे। प्रथम दो ट्रस्टी पहले अक्षय कुमार और दूसरे पुलेला गोपीचंद, ये पूर्व के बैडमिंटन खिलाड़ी भी रह चुके हैं, पुलेला गोपीचंद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रांड्स इंडिया टॉप 50 में लगातार पांचवीं बार पहले स्थान पर कौन रहा? तो लगातार पांचवीं बार स्थान पर रहा, और इसका सही आंसर होगा, और इस बार भी रहा 2018 में भी, तो ये रहा HDFC। और दूसरे स्थान पर इस बार रहा LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। फिर तीसरे स्थान पर इस बार रहा TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने घर और संपत्ति की खरीद के लिए प्रवासी देशों की कुछ विशेष समुदाय को अस्थायी निवासी की स्थिति प्रदान की गई है? तो ये कहा गया है किस देश के द्वारा? ये कहा गया है कतर के द्वारा कि हम विशेष समुदाय को जो है वो अब परमानेंट सिटीजनशिप देंगे। तो कतर की राजधानी है दोहा, इसका सही आंसर होगा कतर। फिर सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, और यूनाइटेड अरब अमीरात्स की राजधानी है अबू धाबी, और तुर्की की राजधानी है, टर्की की राजधानी है कहाँ? अंकारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स के अनुसार भारत हथियारों की चोरी उपयोग करने के योग्य थेफ्ट रैंकिंग में किस स्थान पर है? मीन्स दूसरे के परमाणु हथियार को कॉपी करना, किसी चीज़ को चुराना, उसे अपने ढंग से बनाना, इस तरह से इस थेफ्ट रैंकिंग में किस स्थान पर है इंडिया? इंडिया का रैंक है 19, पहले स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया और दूसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय त्यौहार का जश्न मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन अक्टूबर में न्यूयॉर्क में विशेष डाक जारी करेगा? तो ये किया जाएगा किस भारतीय त्यौहार का जश्न मनाने के लिए, ये किया जाएगा दिवाली या फिर दीपावली जो कहिए। और संयुक्त राष्ट्र मीन्स यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं अभी वो है वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैगरिंग फॉरवर्ड नरेंद्र मोदी एंड इंडियाज ग्लोबल एम्बिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इस पुस्तक के लेखक है भरत कर्नाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2018 के पुरुष US ओपन का खिताब किसने जीता? तो महिला US ओपन का खिताब जीता नियोमी ओसाकी ने, और US ओपन का खिताब जीता नोवाक जोकोविच ने, और इन्होंने किसे हराया? तो जुआन मार्टिन डेल पेट्रो को हराया। तो इनके द्वारा ये पहले ऐसे टेनिस पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने हज़ार खिताब जीते हैं। ये ग्रैंड स्लैम की, पूरे ग्रैंड स्लैम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये पूरे 1000 खिताब जीते हैं ग्रैंड स्लैम को मिला के। तो ये है हमारी वीडियो का अंत। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल नॉलेज हाउस को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।